तो गाइस यहाँ हमें मिला एक देखिए झरना टाइप का, और ये पानी फ्लो हो रहा है, देखिए कितना साफ पानी फ्लो हो रहा है। तो गाइस चलते चलते हम आ गए एक पंप हाउस में, तो दिखाते हैं आपको ये पानी के पंप लगे हुए हैं, देखिए ये इनको चलाने का सिस्टम है, पूरा पावर हाउस बना रखा है इन्होंने। और भी ये पानी के पंप हैं, काफ़ी बड़े बड़े पंप हैं यहाँ पर, जो पानी यहाँ से नीचे झील से सप्लाई करते हैं न्यू टीरी के लिए। तो ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े पंप हैं, यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है, जो पानी यहाँ से लेते हैं नीचे से झील में से, और फिर न्यू टेरी में 15 किलोमीटर ऊपर जाता है, पंपों से पानी सप्लाई होता है न्यू टेरी को पीने के लिए, सारा पानी मिलता है। और बीच में यहाँ फिल्टर भी होता है, तो काफ़ी इस तरीके के 3 या 4 जगह इन्होंने लगाए हुए हैं नीचे से 4-4 किलोमीटर की दूरी पर। तो हम आ गए हैं गाइस डैम के पीछे वाली साइड पर, और यहाँ से देखिए आप, दिखाते हैं आपको ये डैम है, देखिए सामने ये डैम की बैक साइड है, जहाँ से ये डैम के लिए उसके ऋषिकेश के लिए पानी जाता है, यहाँ से डैम में से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए यहाँ से सब सप्लाई होता है। तो ये है टीरी डैम जो बांध है टीरी का, और ये एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। जिसकी हाइट 2.60 मीटर है, तो काफ़ी ऊंचा डैम है एशिया का। तो यहाँ देखिए आप गाइस, हम जा रहे हैं इसके किनारे किनारे, और आपको यहाँ पावर हाउस को दिखाएंगे जहाँ पर बिजली बनती है। पावर हाउस है यहाँ पर, जहाँ से पूरे उत्तराखंड में सप्लाई होती है और यूपी में सप्लाई होती है, यूपी पंजाब हिमाचल में इस डैम से, इससे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ये बनती है यहाँ पर, और ये सब जगह सप्लाई होती है यहाँ से। तो ये पावर हाउस है नीचे, जहाँ पे बिजली बनती है यहाँ पर, और टनल बनाए हुए हैं इन्होंने, 3-4 टनल हैं यहाँ पर, उनके अंदर बिजली बनती है। तो पूरा प्लांट लगाया हुआ है इन्होंने, देखिएगा जी को सामने टनल है, दूसरा ये है, और एक ये है, और आगे भी है, और ये पूरा पावर सिस्टम है इनका, पावर प्लांट जहाँ से ये सप्लाई हो रही, पावर सप्लाई। तो हम जाएंगे आगे की तरफ, जहाँ हमें अच्छा लगेगा वहाँ रुक जाएंगे, और फिर हम कुछ अपने लिए खाने के लिए बनाएंगे। तो ये बीपुरम कहलाता है गाइज, हम डाउन में आ गए काफी, ये देखिए गाइज यहाँ पे एक ब्रिज है, और ये बीपुरम कहलाता है 0 पॉइंट। तो हम थोड़ा आगे और जा रहे हैं, जहाँ हमें अच्छा लगेगा वहाँ पे अपना सेटअप लगाएंगे, और कुछ खाने पीने के लिए बनाएंगे। तो गाइस फाइनली हमें मिल गई जगह अपना सेटअप लगाने के लिए, खाने पीने बनाने के लिए। तो यहाँ इस रिवर के पास ही लगाएंगे हम, और यहाँ कुछ देखिए आप पानी भी बह रहा है, कुछ यहाँ पर छोटा सा वाटरफॉल टाइप का है, झरना कह सकते हैं इसे। देखिए रोड से होते हुए पानी आ रहा है इधर, और ये आपका मोहम्मद आबिद।
मेरी 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 भी तो ऐसी। चलिए लगाते हैं यहाँ सेटअप अपना, खाना बनाने का, खाना पीने का, जो भी खाएंगे पियेंगे। ये हमारा गैस का सिस्टम हमने इंस्टॉल कर लिया और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये आपको आप दिल्ली से परचेस कर सकते हैं इस सिस्टम को। तो इसी पर हम बनाएंगे। वीडियो बनाई जा रही है और आवाज जो है सुन तो गाइस सबसे पहले हम टी बना रहे हैं और फिर कुछ खाने के लिए बनाएंगे। दिखाते हैं आपको। हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो देखिए वाटरफॉल है हमारा छोटा सा, हमने यहाँ पर सेटअप लगाया पूरा। और ये रिवर है आगे, गाइज हमारी गैस को हवा लग रही थी क्योंकि हवा काफ़ी तेज थी, तो हमने ये पेपर न्यूज़पेपर लगा दिया है। अब इससे हमारे जो गैस में प्रॉब्लम नहीं आएगी जलने में, जो फ्लेम है अच्छी तरीके से जलेगा, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम कर रहा था फ्लेम गैस का। तो फाइनली हमारी चाय बनके तैयार है।
तो गाइज फाइनली हमारा ऑमलेट बनके तैयार है और अब दूसरा ऑमलेट बनाएंगे। हमारा दूसरा ऑमलेट भी बन करते ही आ रहे हैं। अब हम उन्हें स्लाइस लगाएंगे और फिर सेकेंगे। देखिए हमने स्लाइस लगा दिया है ऑमलेट को, ये सेकेंगे। तो गाइज एक तरफ से सीख गया है, ये हमने इसे चेंज कर दिया दूसरी साइड। ये सही सीखा ना, लो पकड़ो बनाओ, एक मिनट में उतार। फाइनली हमारा आमलेट ब्रेड तैयार है और अब टी गर्म करेंगे और सर्व कर रहे हैं।
क्या चाय चंदी, चलो कोई बात नहीं, चाय चंदी मैंने रखवाई थी। चाय का आनंद लेते हुए, चाय का आनंद लेते हुए क्या चाय बनी है, वाह सुभान अल्लाह। लो बिस्कुट खोलो, वो रह गई बस, और मैंने छन्नी स्पेशल ये क्या है बाबा, छन्नी स्टील वाली
गाइस इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, और कल आप देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। कल का अपडेट आपको दिखाते रहेंगे जहाँ पर भी जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।